हेलो दोस्तों, राणा क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको बीपीएससी का है जो कि आंसर की जो आज परीक्षा हुई है उसके बारे में बताऊंगा। तो ये आप देख रहे हैं पहला क्वेश्चन क्या है, तो ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर भी आपके आ रहा होगा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक अस्थायी सदस्य के रूप में अपना 2 साल का कार्यकाल किस तारीख को शुरू किया है? तो किस साल शुरू किया था? तो 1 जनवरी 2021 को है जो कि ये शुरू किया गया है। उसके बाद क्या है 82 नंबर, किस देश ने, ये करेंट अफेयर्स मैं बता रहा हूँ, फिर मैथ बताऊँगा, फिर एक पूरा डिटेल 100 ये सिर्फ करेंट अफेयर्स बता रहा हूँ। किस देश ने भारत को स्पुतनिक 5 कोविड वैक्सीन का निर्यात किया? तो किसने किया था? स्पुतनिक से ही आप समझ सकते हैं क्या होगा, इसका आंसर रूस होगा। क्या होगा? रूस होगा। उसके बाद यूएनए में भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व कौन है किया है? तो ये TS त्रिमूर्ति नाम है। क्या नाम है? TS त्रिमूर्ति। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुष 100 से ज़्यादा महिलाएं? तो एक ही जगह है, वो कहाँ है? गोपालगंज में है। कहाँ है ये? गोपालगंज में है। अब है जो कि अगला देखता हूं, अगला जो है आपको फिर क्या है, बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 किस लिए दिया गया था? तो किस लिए दिया गया था? तो COVID-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों को सेवाएं प्रदान करने के लिए दिया गया था। किसके लिए दिया गया था? तो COVID-19 मैं फंसे लोगों से सेवाओं। फिर है बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें हैं जो कि आरक्षित है? तो कितनी है? तो 38 सीटें, ए हो जाएगा ऑप्शन। उसके बाद है बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो 2006 में किया गया था। क्या किया गया था? 2006 में किया गया था। झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष से जो कि विभाजित किया गया था? तो बहुत आसान है, मतलब झारखंड कब बना उसी समय बिहार, ए हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। उसके बाद आते हैं बिहार में वर्ष 2021-22 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय किस पर केंद्रित है? तो कौशल और उद्यमिता विकास, मतलब क्या हो जाएगा इसका आंसर? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, कौशल और उद्यमिता विकास। बिहार मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल हैं? तो कितने हो जाएंगे? बी हो जाएंगे, 7 है जो कि शामिल हैं। गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा जो कि 2020 में शुरू किया गया था? तो ये खगड़िया में जगह से शुरू किया गया था, तो डी हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं अगला है जो कि क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन क्या है, 2021 में गणतंत्र दिवस परेड में विदेशी मुख्य अतिथि कौन थे? 2021 का पूछा जा रहा है, तो बोरिस जॉनसन, ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैं। क्या नाम है इनका? बोरिस जॉनसन। बिहार से रश्मि कुमारी कौन है? तो एक अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है। कौन है? अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन। बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 किस लिए दिया गया था? तो ये तो हो गया है COVID-19 के लिए हो गया है, ये क्वेश्चन हो गया है, तो इसको छोड़ते हैं। अब आगे देखते हैं जो क्वेश्चन मिलेगा, तो ये सब मैंने बता दिया, खगड़िया आंसर होगा। फिर आगे देखते हैं करंट अफेयर्स का ही सिर्फ क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये अब क्वेश्चन आ गया अगला, कोविशील्ड भारत का कोविड वैक्सीन जिसे WHO द्वारा अनुमोदित किया गया है किसके द्वारा निर्मित है? तो किसके द्वारा निर्मित है? तो ये सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा, ए हो जाएगा। अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई टोटल कितनी है? तो 9.02 किलोमीटर, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9.02। भारत में किस वर्ष से जो कि रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था? कब मिला दिया गया था? 2017-18 के बजट, मतलब सी हो जाएगा, 2017-18। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है? तो अफगान, डी हो जाएगा, अफगानिस्तान बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों समूहों को नागरिकता प्रदान करना। उसके बाद है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट संदर्भित करता है, किससे संदर्भित करता है? तो एक आम केंद्रीय सचिवालय के साथ नई संसद प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का आवासों के निर्माण में। जम्मू और कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद बने किस केंद्र शासित प्रदेश में अपनी कोई विधायिका नहीं? जिसको आप लोग देख लीजिए, ये क्वेश्चन है जो कि नहीं मिला है, बाकी सब मिल गया है। 2021 के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFL मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाले भारतीय फुटबॉलर कौन है? बी संदेश झिगन। क्या हो जाएगा? संदेश झिगन। अब आते हैं अगला क्वेश्चन पर,
अगला क्या है, ये तो क्वेश्चन हो गया है, संदेश जीगन वाला हो गया है। अब आगे आते हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख को शुरू की गई थी? तो किस तारीख को शुरू की गई थी, तो सी हो जाएगा 1 फरवरी 2019 को शुरू किया गया था। फिर है जो कि आपको क्या कब किया गया था, 1 फरवरी 2019 को किया गया था। ओलंपिक 2021 में भारत के लिए स्वर्ण पदक है जो कि किस खेल में जीता गया था, तो ये भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने जीता था ये। उसके बाद टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में भारत कुल कितने पदक जीता है, तो भारत जो है टोक्यो पैरा ओलंपिक पूछ रहा है, ऐसा नहीं कि ओलंपिक पूछ रहा है, 19 पदक जीता था टोटल। कि भारत ने किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी अध्यक्षता निकाल संभाली थी, 1 जनवरी 2021 को संभाली थी। उसके बाद क्या है, जब अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को निकाला तो काबुल छोड़ने वाला अंतिम अमेरिकी सैनिक कौन था, तो मेजर जनरल क्रिस डोनहू है जो कि ये सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रिस, मेजर जनरल क्रिस डोनहू हो जाएगा। किस फ्रांसीसी कंपनी ने भारत के राफेल लड़ाकू जेट की आपूर्ति की, तो क्या हो जाएगा, LH एविएशन हो जाएगा, क्या ए सॉरी बी हो जाएगा, डसाल्ट एविएशन। फिर क्या है, गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प कब हुआ था, तो जून 2020 में हुआ था। फिर क्या है, पेगासस स्पाइवेयर किस देश में है जो कि विकसित किया गया है, तो किसे किया, तो इजराइल, ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इजराइल हो जाएगा। उसके बाद है जो कहते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, जो करंट अफेयर्स में बता रहा हूं, और ये आपको बता दिया है, इसमें गरीब कल्याण वाला भी हो गया, खगड़िया हो गया, ये सारे है जो कि मैंने बता दिया है। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, हाँ कुछ क्वेश्चन इसमें है अभी भी छूटे हुए, जो करंट अफेयर्स में जो बाइडेन ने पदभार है जो कि ग्रहण किया था, तो क्या ए हो जाएगा, अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में। और ये सब क्वेश्चन है जो कि, और रश्मि कुमारी वाला, हाँ इसमें क्या है, ये तो उसके बाद करेंट अफेयर्स को ही सिर्फ मैं बताऊंगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्वेश्चन है जो कि आपका हो गया था, गलवान घाटी वाला भी, कुछ क्वेश्चन है जो कि और भी हैं। 2021-22 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा किस प्रकार अनुमानित किया गया था, तो कितना किया गया था, ए 22,511 करोड़ रुपये था। और देखते हैं, डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत कौन से छात्र है जो कि 2021-22 से कंप्यूटर शिक्षा, तो इसमें क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, छठी कक्षा से ऊपर, छठी कक्षा सहित 7वीं 8वीं, तो मतलब ई हो जाएगा ऑप्शन। 15वें वित्त आयोग के सदस्य नहीं हैं, तो कौन नहीं थे, तो सुदीप्तो मुंडले नहीं थे, बी हो जाएगा, कौन थे, नहीं थे, तो सुदीप्तो मुंडले जो कि नहीं थे। ये भी क्वेश्चन है जो कि आपको बता दिया गया है। और ये इसमें क्या है, केंद्रीय बजट में FM ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष निवेश कितना बढ़ा दिया है, तो कितना हो जाएगा इसका, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, तो कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा, 74% बढ़ाकर कितना किया था, 74% है जो कि किया था। और यहाँ पर है, स्वच्छ भारत मिशन द्वितीय चरण को किस समय जो कि अवधि के दौरान लागू किया गया था, 2020-21 से, ये कन्फ्यूजन करने वाला, 2020-21 से सारे हुए थे, लेकिन 24-25 तक हुए थे, क्या हुए थे, 24-25 तक, 24-25 तक है जो कि हुआ था। तो ये है जो कि आपको कुछ क्वेश्चन थे, और भी अगर क्वेश्चन करेंट अफेयर्स के होंगे तो ये सब आप हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं जो कि मैं आगे आपको बताऊंगा। दोस्तों